आज का जो प्रोग्राम है उसका मुख्य उद्देश्य है कि हमने 25 नवंबर को एक ताल कटोरा में प्रोग्राम करा था जी, उसमें माननीय मोहन भागवत जी हमारे सर संचालक और 8000 का उसमें हमने सिखों का वो करा था, तो उसका आज शुक्राना हम परिवारों के जो संगठन के हमारे सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनको बुला के हम उनका शुक्राना कर रहे हैं, साथ में गुरु गोविंद सिंह जी के 391वें प्रकाश पर्व को शुरू करते हुए सबका धन्यवाद कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ ये क्वेश्चन ऐसा है कि उन्होंने क्या नहीं किया जी, उन्होंने पूरे देश में पूरे विश्व में आज जितने भी गुरुद्वारे हैं या जो आज सिख की इतनी संख्या बढ़ रही है और आज उनके देखो कितने परिवारों में जो बच्चा होता है उनको भी कितना गुरु का ज्ञान दिया जाता है, वो सब गुरु गोविंद सिंह जी की तरफ से ही, गुरु नानक देव जी की तरफ से ही आया और उन्होंने जो कराया हम उसका बयान भी नहीं कर सकते। गुरु गोविंद सिंह जी ने तो पूरा परिवार ही समाज के लिए नौछावर कर दिया, देश के लिए नौछावर कर दिया, क्या कहेंगे आप? आज उसी का फल तो जो हमारे बच्चे आज खुल के आज़ाद जी रहे हैं, इस जीवन में आज आज़ादी मिली है तो उनके बहुत उसमें सारा रोल उनका है, उन्होंने साम्राज्य में मुगल साम्राज्य को कैसे प्रसाद किया और उनकी शिक्षा तो बहुत बढ़ी है जिसके लिए हमने अपनी संगत संसार मैगजीन में सब कुछ लिखा है। कौन सी मैगजीन? संगत संसार, हर महीने वो कम से कम 5 लाख लोगों को वितरित होती है। प्रोग्राम पूरे राष्ट्र में करते हैं जी, पीछे पटना साहब में भी हुआ, हर महीने हम किसी ना किसी प्रदेश में गवर्नर से घर और किसी के घर में, हम कभी राजस्थान में कभी अहमदाबाद में, पूरे विश्व में जैसे 42 प्रांत हैं वो 42 प्रांतों में ही ये प्रोग्राम चलते हैं जिससे कि एक सांझीवालता का प्रोग्राम पूरे देश में जाए। और ये 1984 में जब सिखों के दंगों के साथ हुआ था तो तब ये आरएसएस ने इसका सिख राष्ट्रीय सिख संगत का शुरुआत की थी, तब से हम इसको आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और समाज को जोड़ रहे हैं। धन्यवाद सर।